स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस टॉपिक बायोग्राफी ऑफ तोफक रफ़त डेस्टनर्स आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पाकिस्तानी पॉइट फेमस पॉइट तोफक रफत की बायोग्राफी डेस्टनर्स आज की वीडियो में मैं तोफक रफ़त को एज़ अ पॉइट डिस्कस करूँगी इसके सब्जेक्ट मैटर क्या थे इनके राइटिंग के स्टाइल कैसा था इनकी राइटिंग का और इनकी राइटिंग के मेन थेम्स कौन से थे ये कौन से थेम यूज़ करते थे अपने वर्क में ये सब छोटी सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तफक रफत की बर्थ पहले याद रखने नाइनटीन ट्वेंटी सेवन पैदा हुए नाइनटीन नाइनटी एट में इनकी डेथ है अगर हम एज अ पॉइट इनकी बात करें तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हैं इन पाकिस्तान लाइक like, इनके वर्क से पाकिस्तान में नहीं पढ़े जाते बाहर भी पढ़े जाते हैं like, लेकिन इनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश पोइट्री में इन पाकिस्तानी सिग्निफिकेंस और ये मेजर पार्टिशनर भी थे और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर इन से बहुत ज्यादा यंगर पॉयट्स जो है वो इंस्पायर भी हुए लाइक like, और सेकेंडली जो है वो ये एक डिबेट अबाउट द काइंड ऑफ पोइट्रिकूटेबल फॉर पाकिस्तानी पोइट्स राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं इंग्लिश में और ये हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे और अगर इन्होंने एज आ इंग्लिश नोइंग पब्लिक अपने आप को इंट्रोड्यूस और पंजाबी क्लासिकल पोइट्री में भी इनका जो है वो रोल है इनको जो है पैलन तौरपिक पॉइट भी कहा जाता है ह्यूमटेरियन पॉइट भी कहा जाता है नेचर पॉइट भी कहा जाता है रैशनल एंड सेंटिमेंटल पॉइट भी कहा जाता है पॉइट ऑफ लव भी कहा जाता है मैसेटिक पॉइट भी कहा जाता है पारसिक पॉइट प्रोफेलिक पॉइट हो गया नोस्टैलॉजिक पॉइट ये सब इनको कहा जाता है ये इनके कहले इन्हें ये एक टाइटल्स मिले कि इनको ये ये पॉइट पॉइट्स ऑफ लव यानी लव के बारे में भी लिखते थे मैसेटिक पॉइट तो श्चिय थे पारसिक पॉइट हो गए प्रोफेलिक पॉइट हो गए इस तरीके के यानी इनको ये तमाम पॉइट्स जो है वो कहा जाता है इसके अलावा अगर हम इनके राइटिंग की सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनके राइटिंग का सब्जेक्ट होता था लाइक पॉइनियर ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश पोइट्री हो गया पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज के बारे में बात करते होते थे नेशनल एंड कल्चर सेल्फफूड हो गया नेटिव आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड राइट्स एंड रूटल्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के दरमियान कन्फ्लिक्ट भी इनका सब्जेक्ट होता था इनकी राइटिंग का लिबलर ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ पर भी ये बात करते होते थे मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी हो गया ट्रेडिशन ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मिथ्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमिटी हो गया लोकल टू यूनिवर्सल एक्सपीरियंस हो गया सिंपल लाइफ विद अ पेन ऑफ कंप्लेक्सिटीज़ तो ये सब इनके सब्जेक्ट मैटर होते थे या सब्जेक्ट होता था इनका राइटिंग का अगर हम इनके राइटिंग के स्टाइल की बात करें तो ये क्रिएटिव राइटर थे रियल कारपेंटर थे यानी इनके वर्क में रियलिटी हमें नज़र आती होती है मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे एंड स्पीच टोनलिटीज़ और ईडियम्स नज़र आते हैं कन्वर्जेशनल टाउन जो है वो इनका एक था स्टाइल और डायरेक्ट और फोर्सफुल वर्ड ये यूज़ करते होते थे कंट्रेट इमेजरी यूज करते होते थे सिक्वेंशल एंड लॉजिकल इमेजरी जो है वो अपने वर्क में यूज़ करते थे नेचुरल इमेजरी भी हमें इनके वर्क में नजर आते हैं सिम्बलिज्म भी यूज़ करते थे इसके अलावा एकोनोलिसटिक वगैरह भी इकोलॉजिकल हो गया कल्चरल हो गया सिम्प्लेसिटी इनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती थी ये इनकी एक बड़ी खूबी थी और

ए, ए, और ये लव के बारे में लिखते थे यानी फ़िलासफिकल लव हो गया इंटेलेक्चुअल लव हो गया उसके बारे में लिखते थे ट्रेडिशन एंड कल्चर पर भी इन पॉइम्स लिखी अपने वर्क में ये थेम भी रखते थे विलेज और अर्बन लाइफ के बारे में भी ये डिस्कस करते थे और इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट थेम डिप्रेस्ड इमोशंस और ये डिप्रेस्ड इमोशंस अपने वर्क में इनका थेम होता था लाइक ये लव के बारे में भी लिख रहे हैं ये इमोशंस के बारे में भी लिख रहे हैं लिख रहे हैं फलासफिकल लव हो गया विलेज लाइफ के बारे में मॉडर्निटी के बारे में पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में इस तरह के थेम्स ये अपने वर्क में रखते होते थे ये नहीं लिखते थे तो स्टूडेंट्स ये थे एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने टोटल डिस्कस किया इसकी बायोग्राफी लाइक इसके एज अ पोएट इनका राइटिंग स्टाइल क्या था और इनके क्या थीम्स ये मेजर अपने वर्क में रखते थे तो आई होप आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो से ये सब जो है वो क्लियर हो गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हाफिज़